नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल रेलवे पुणे डिवीज़न का अभी लेटेस्ट में 18 सितंबर 2022 को LDC JEE PV की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट आप लोगों तक प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें 51 से 110 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी का भी रहेगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ब्रॉड गेज के लिए डायनेमिक गेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1750 mm, ठीक है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक पर दिए गए वास्तविक कैंट के बीच का अंतर और सेक्शन में न्यूनतम गति के अनुसार गणना की गई कैंट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैंट की अधिकता यानी कि कैंट एक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, ब्रॉड गेज ग्रुप डी मार्ग पर अधिकतम अनुमेय कैंट की कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 mm। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैंट ग्रेडियंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक कैंट या संक्रमण लंबाई। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौजूदा ढाल में जोड़े जाने पर वक्र का मुआवजा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम त्रिज्या का वक्र खाली स्थान मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम त्रिज्या का वक्र 175 मीटर होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, समतल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अधिकतम निकासी 57 mm, डी इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉसिंग के विपरीत नाक की न्यूनतम जांच रेल निकासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 44 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, क्रॉसिंग खाली स्थान के विपरीत नाक की अधिकतम जांच रेल निकासी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 mm। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधे पर 300 mm गिट्टी तकिया के साथ कंक्रीट स्लीपर ट्रैक पर गिट्टी ऑब्लिक मीटर की मात्रा, तो दोस्तों थोड़ा हिंदी में दूसरा लग रहा है, इंग्लिश में देखेंगे क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट ऑब्लिक मीटर ऑन कंक्रीट स्लीपर ट्रैक विथ 300 mm बैलास्ट कुशन ऑन स्ट्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2.314 mq। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल घर्षण मूल्य यानी कि मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%, और वहीं इम्पैक्ट वैल्यू रहेगा तो 20%। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव मैक्सिमम परमिट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे, मशीन की गिट्टी के मामले में 40 mm वर्ग जाल चलनी पर परसेंटेज अवधारणा की अनुमत सीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 से 60%। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वीकृत प्रत्येक स्टैक की न्यूनतम गिट्टी मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 mq। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, गिट्टी आपूर्ति के मामले में भुगतान करने के लिए उपकर संग्रह में सकल माप पर अनुमत संकोचन में वाइट्स के लिए परसेंटेज कटौती कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 66 नंबर, क्या अपर्याप्त गिट्टी के गहराई ट्रैक के रख रखाव को प्रभावित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाँ
गठन दबाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत सारा डिवीजन, लगभग 20-25 डिवीजन का एग्ज़ाम पेपर करा चुका हूँ। दोस्तों, यदि आपने इतने सारे डिवीज़न का पेपर आप अगर जाके पुणे डिवीज़न में दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है, जिसमें रायपुर डिवीज़न का IRPWM क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, यदि रायपुर डिवीज़न का आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैकिंग के माध्यम से गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक खोला जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 50 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 68, ट्रैक का ओवर होलिंग आवश्यक है क्योंकि इसमें सुधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकासी। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे। मशीनी संयुक्त पर अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शून्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। मानव स्तर पर क्रॉसिंग के लिए ADN के निरीक्षण कार्यक्रम, तो दोस्तों क्रॉसिंग का जो निरीक्षण होता है ADN 6 मंथ में और JPWI प्रत्येक महीने रोटेशन से करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानसून की गश्त करने वाले प्रत्येक सेक्शन के लिए कौन गश्त चार्ट तैयार करेगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DEN यानी डिविजनल इंजीनियर। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी ग्रेडियंट्स जिन्हें होलिंग के लिए अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुशर ग्रेडियंट। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिरती ढाल के बाद बढ़ती ढाल को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में रेलवे की सुरक्षा की देखभाल किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे सुरक्षा आयोग यानी कि कमिश्न ऑफ रेलवे सेफ्टी। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेलों का झुकाव ढलान पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 in 20। 76 नंबर क्वेश्चन। दो रेलों के आंतरिक चेहरों के बीच लंबवत दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैक का गेज। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 kg रेल की प्रति मीटर लंबाई का वजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51.89 kg। 78 नंबर क्वेश्चन। 60 kg रेलखंड की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 172 mm। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। M+7 स्लीपर घनत्व हमें 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1540। ठीक है, 1540 स्लीपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर। 60 kg 90 UTS रेल के GMT सेवा जीवन का मूल्यांकन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 GMT। ठीक है, इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या 52 kg 90 UTS रेल का मूल्यांकन GMT सेवा जीवन है, हाँ 525 GMT। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। व्हाट रेल का पूर्ण रूप, UTS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म UTS, तो UTS का फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या 52 kg के रेलखंड के प्रमुख की चौड़ाई कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 67, और वहीं 60 kg के खंड के प्रमुख की चौड़ाई रहता यानी कि वाइड्थ ऑफ हेड, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 point something होता है, 74.3। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय रेलवे में ट्रैक के कितने गेज को अपनाया जाता है, तो 3 gauge को अपनाया जाता है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज से आपका क्या मतलब है, यानी BG से क्या मतलब है, BG का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड गेज। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की मानक दूरी क्या है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए, 1676 mm होता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, तापमान का आधार भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4, जिसमें कि पहला तापमान में आता है 40 से 50, दूसरा में 51 से 60, तीसरा में 61 से 70 और चौथा में 71 से 76। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्गों के ट्रैक रिकॉर्डिंग का आवृत्ति 110 किलोमीटर प्रति घंटे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति है, तो इसका पूछ रहा व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी जिसका इतना है, तो इसका जो है हो जाएगा दोस्तों 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 महीने में एक बार। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, नए कार्यों के लिए ओपन स्विच और स्टॉक रेल के बीच सबसे अच्छी निकासी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 115 प्लस माइनस 3। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 में एक आकार में फैन शेप्ड का आकार कितने स्लीपर है? तो दोस्तों इसका हो जाता है हाउ मैनी स्लीपर आर देयर इन फैन शेप्ड 1 in 12 टर्नआउट। इसके पहले हमने टर्नआउट का वीडियो आप लोगों को बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 96 स्लीपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 91। गर्म मौसम में गश्त के दौरान पेट्रोल मैन के साथ कितने हरे झंडे होते हैं? तो दोस्तों गर्मी के मौसम में पेट्रोल मैन के पास जो है हरा झंडा नहीं रहता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में TTM टेम्पिंग ऑपरेशन के लिए कम स्तर का कर्मचारी या पर्यवेक्षक सक्षम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PWS, अभी नहीं है, PWS की जगह पे JEE PV हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, पूरे ट्रैक की स्क्रीनिंग कम से कम होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 10 साल में एक बार। 94 नंबर क्वेश्चन, 60 केजी रेल के सघन अछूता रेल संयुक्त का सेवा जीवन काल, सर्विस लाइफ ऑफ ग्लूड ज्वाइंट, ग्लूड इंसुलेटेड रेल ज्वाइंट ऑफ 60 केजी रेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 GMT। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, BCM द्वारा की गई गहरी स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध क्या है अगर मशीन द्वारा DGS के साथ पीछा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में उठाने की आवश्यकता वाले फास्टनरों के नवीकरण पुनरावृत्ति के लिए कर्मचारियों या पर्यवेक्षक का निम्न स्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैंगमेट। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में गहरी स्क्रीनिंग के अलावा गिट्टी की स्क्रीनिंग के लिए सबसे निचले स्तर के कर्मचारी या पर्यवेक्षक सक्षम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैंगमेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, LWR CWR में गर्मी के महीनों में गश्त करने वाले गर्म मौसम के आयोजन के लिए सबसे निचले स्तर के कर्मचारी या पर्यवेक्षक सक्षम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैंगमेट। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में संकट के बारे में सभी कार्यों के लिए सबसे निचले स्तर के कर्मचारी या पर्यवेक्षक सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PWI। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में बकलिंग के बाद पहली ट्रेन के गुजरने के लिए कर्मचारियों या पर्यवेक्षक के स्तर का सबसे कम स्तर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PWI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर, जो कि राजभाषा से है, 101 से लेकर 110 तक, तो भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए देवनागरी लिपि में हिंदी। इसके बाद हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर, राजभाषा के नियमों के अनुसार अंडमान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र में। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्गीकृत हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, यानी ऑप्शन डी डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जिसने भाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भाग 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं में। 107 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। इसके बाद 108 नंबर, कितने हिंदी पाठ्यक्रम केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर, जो केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है कर्मचारियों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबोध। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजपुरी। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो LDC JPV एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक को आगे भी मिलता रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति।